हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल्स फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बेसल फंक्शन जे एन एक्स के लिए 6 प्रकार के रिकरेंस रिलेशंस हैं, जिनमें से 5 रिकरेंस रिलेशंस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में ड्राइव कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। आज हम ड्राइव करेंगे आखिरी मीन सिक्स रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आखिरकार सिक्स रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन किस प्रकार का होता है और उसे हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जो सिक्स रिकरेंस रिलेशन होता है फॉर बेसल फंक्शन, वो कुछ इस प्रकार से होता है। 2n by x, jn x is equal to jn minus 1x plus jn plus 1x। इस सिक्स रिकरेंस रिलेशन को हम दूसरी फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके आगे भेज दें तो ये बन जाएगा 2n jn x is equal to x बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट jn minus 1x plus jn plus 1x। तो सिक्स रिकरेंस रिलेशन को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसी को ही आज के इस वीडियो में ड्राइव करना है, तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प से ही हम सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन को ड्राइव करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ में आप कहां से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम थर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन वी हैव जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन बाय एक्स जे एन एक्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ये है हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन, जिसको हमने इस वीडियो में ड्राइव किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे मैथमेटिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, फ्रॉम फोर्थ रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन वी हैव, जो हमारे पास फोर्थ रिकरेंस रिलेशन होता है बेसल फंक्शन के लिए, उसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। इस फोर्थ रिकरेंस रिलेशन को हमने ड्राइव किया था इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है थर्ड रिकरेंस रिलेशन, ये है फोर्थ रिकरेंस रिलेशन, जिसको हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन नाम दिए हैं यहाँ पर। इनकी हेल्प से हम यहां तक पहुंचेंगे, सिक्स रिकरेंस रिलेशन तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख ली थी, जो और कुछ नहीं बल्कि थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन था फॉर बेसल फंक्शन। अब आपको आगे क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट, आपको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करना है साइड वाइज, मींस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस किया जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इसमें से आप माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड और इसमें से आप माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है एन बाय एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। अब स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया जीरो, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए तो आपको मिलेगा माइनस एन बाय एक्स जे एन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, जीरो जे एन माइनस वन एक्स, ये दोनों टर्म सेम है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एन बाय एक्स जे एन एक्स माइनस एन बाय एक्स जे एन एक्स हो जाएगा माइनस टू एन बाय एक्स जे एन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। तो इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आइए
तो ये हो जाएगा प्लस का और इक्वल टू में आपके पास रह जाएगा जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। और अगर आप इस x को यहां पर क्रॉस कर देते हैं तो ये बन जाएगा टू एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स। तो स्टूडेंट्स यही है आपका सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने छह के छह बेसल फंक्शन रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन जो है वो ड्राइव कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।